हो। हमारे पास ये ओपन लूप डीसी ड्राइव ट्रेनर है। हमारे पास दो तरह की मोटर्स होती है, डीसी मोटर और एसी मोटर। ये डीसी मोटर है हमारे पास। इसका जो ट्रेनर किट होगा, इसका जो कंट्रोल सेक्शन होगा, इसकी यहाँ पर ये है, इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम है ये, और ये उधर उसकी मोटर है, ठीक है। इस मोटर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। तो इसको हम समझते हैं पहले। यहाँ तो हमने एसी सप्लाई अपने मेन बोर्ड से दे दी, यहाँ तक आ गया। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये अभी ऑन पर क्लिक है, इस साइड ये ऑफ पे, ये ऑन पे, ठीक है। फिर ये हमारा इंडिकेटर है, और ये हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन हम जैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमारा ये रिले ऑन होगा, ये जो रिले कॉन्टैक्टर है ये ऑन होगा, ठीक है। और ये ऑन होने के बाद फिर यह ब्रिज को सप्लाई देगा, और ब्रिज फिर इसको डीसी में बदल के, ये वाला जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज लगा, आईसी ब्रिज लगी है, ये मोटर के लिए है, और ये सेक्शन इसके कंट्रोल के लिए है, जो इसके कंट्रोल को कुछ कुछ चलाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, जो मोटर को, जो मोटर की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगा और घटाएगा। तो जब हम इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ ये मोटर ऑन होगी, ये जो मोटर एक लगा है और एसी मोटर, ये ऑन होगी। और ये ऑन होने के साथ इसका जो अंदर का वैरियक है उसको मूव करेगा, और उसके बाद वैरियक जितना वोल्टेज आगे छोड़ेगा आउटपुट में, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा मोटर कंट्रोल होगा, ठीक है। उसको अभी करके देखेंगे। इसमें अब देखते हैं, ये हमारा एमसीवी वाला सेक्शन, ये एमसी वाला सेक्शन, ये रिले कॉन्टैक्टर वाला सेक्शन जो स्टार्ट बटन से हो रहा था ऑन, ये रेक्टिफायर का सेक्शन, ये भी ब्रिज रेक्टिफायर का सेक्शन, वो मोटर के लिए। ये कूलिंग फैन है जो इस पूरे को ठंडा करके रखेगा, ठीक है। इस साइड देखते हैं, यहाँ पर दो है, ये आर्मेचर टर्न के लिए, ये फील्ड टर्न के लिए। ये उसके फील्ड की वोल्टेज को बताएगा, हाँ वोल्टेज को, फील्ड की वोल्टेज को बताएगा, या आर्मेचर की वोल्टेज को बताएगा, दोनों करंट को। करंट अभी शो नहीं होगा, बट जब हम वहाँ पे लोड जोड़ेंगे कोई, जब हम लोड पर वहाँ वर्क कराएंगे, जैसे कोई आटा चक्की में इसको जोड़ देंगे, तब जाके फिर हमारे ये करंट वाला ये भी मूव करे, तब हम यहाँ पर करंट शो होगी, कितने करंट की खपत हो रही है। इसमें जो ये वाला सेक्शन है, ये फ्यूज वाला सेक्शन है, ये वाला फ्यूज़ का है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को ही ऑन करेंगे। ये फ्यूज़ इसमें आ गया, निकल गए। ये कार्टिलेज फ्यूज़ लगी है 5 एम्पियर तक की रेटिंग की, यानी कि 5 एम्पियर तक को ये सहेगा, उससे ज़्यादा अगर करंट इसमें पास होगी तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये बंद पड़ जाएगा, ठीक, ये बंद। अब इसको एक बार ऑन करके भी देखते हैं इसमें क्या है। ऑन करिएगा, जोड़िए, इधर भी है, यहाँ पे ठीक है। इसको चलाने के लिए यहाँ, ये सबसे पहले यहाँ तक सप्लाई पहुँची, वहाँ से सप्लाई ऑन है, फिर हमने इसको ऑन किया, यहाँ ऑन पहुँच गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ इसका ऑन करते ही इसका जो कूलिंग फ़ैन था वो शुरू हो गया, कूलिंग फ़ैन ऑन हुआ इसको ठंडा करने के लिए, ये इसको। अब इसका स्टार्ट बटन हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिले कॉन्टैक्टर अपना चेंज करेगा। यहाँ देखिए, स्टार्ट बटन क्लिक करते ही, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, रिले ऑन होगा, ठीक है, वो रिले ऑन हो गया। अब इसकी जो सप्लाई है मोटर तक पहुँच चुकी है। अब उसको मोटर को हम जैसे जैसे एनर्जाइज करेंगे, यहाँ से जैसे जैसे मोटर एनर्जाइज करेंगे, हमारा वैरियक मूव करेगा। एनर्जाइज कर रहे हैं, वैरियक मूव करा और हमारा मोटर चलना शुरू हो गया, यानी मोटर को वैरियक से फिर हम आउटपुट दे रहे हैं उस मोटर को, ठीक है। इसको जैसे जैसे दबाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे कम करेंगे तो कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है ज़्यादा, ये फील्ड वाइंडिंग में 200 वोल्ट तक पहुँची हुई है, ये 100 पर ही है। अभी जैसे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर की भी वोल्टेज बढ़ेगी, देखिए आर्मेचर की वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे आर्मेचर की वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो तेज़, अब उसका जो मूवमेंट है उसकी तेज़ हो गया, गति तेज़ हो गई उसकी। और ये फील्ड वाइंडिंग तो जितनी थी उतनी पे रहेगी, वो कांस्टेंट है, ये आर्मेचर वाली उसके बाद मूव करेगी, फिर इसको कम करेंगे ये कम होता जाएगा। और अगर करंट का स्विंग देखना है तो अभी उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, करंट वाले पे रखिए, हाँ उस पर हल्का सा, इसको लोड नहीं है कोई तो पकड़ के देखते हैं, फिर देखेंगे मूव करेगा, मूव किया वो, इसको जैसे ही दबाएंगे ये मूव करेगा करंट वाला सेक्शन, ठीक है, करंट वाला बढ़ रहा है। तो जब इस पर लोड जोड़ेंगे तब वहाँ पर करंट हमारा शो होगा कि अब खपत होना शुरू हुई है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, इतना ही था इसमें, छिल गया सर, छिल गया ना।